दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नेरचौक मंडी। कुल्लू जिला में हुए कातिलाना हमले के बाद गंभीर रूप से घायल कायस पंचायत की पूर्व प्रधान युमा देवी से आज कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने नेरचौक अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। कुलदीप राठौर ने युमा देवी से करीब 15 मिनट तक बात की और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी पूरी जानकारी ली। बता दें कि पिछले महीने कुल्लू जिला के कायस पंचायत की पूर्व प्रधान युमा देवी और उनके पति पर कातिलाना हमला हुआ था। युमा देवी के पति की उपचार के दौरान पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई थी और गंभीर रूप से घायल युमा देवी नेरचौक मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। देखिए, आज हम यहाँ युमा देवी जिन पर कातिलाना हमला हुआ था उनके और उनके पति पे कुल्लू में, पति की तो जो है मृत्यु हो गई है, कल उनकी अंत्येष्टि थी। आज हम उनका हाल चाल पूछने आए हैं और उन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि किस तरह से एक सुनियोजित तरीके से उन पर हमला हुआ। ये बहुत दुख है, हिमाचल जैसा शांतिप्रिय प्रदेश, यहाँ इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और वो बार बार ये भी कह रही थी कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कार्यालय का कोई व्यक्ति जो है, कोई अधिकारी जो है इसमें शामिल है। मैं स्वयं भी मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि इस तरह की गुंडागर्दी चलने वाली नहीं, और हमारी जो पार्टी की विचारधारा से संबंधित जो है ये दंपति रहा है और इनके पति कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा इन्होंने मुझे कहा, मुझे इस बात का भी अंदेशा है कि कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने का प्रयास हो रहा है, इस मामले को कमज़ोर करने का प्रयास हो रहा है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को जो है सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इनके परिवार में जो कमाने वाला व्यक्ति था वो चला गया, उसकी हत्या हो गई। और हत्या में जो है भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो लोग हैं वो शामिल हैं। अगर मुख्यमंत्री जी जो है न्याय चाहते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो इनके परिवार में इनके जो दो बेटे हैं उनमें से एक को तो कम से कम जो है सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ये हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मामला यहाँ तक रहने वाला नहीं, अगर कहीं से हमको लगता है कि कार्रवाई नहीं होगी, कमज़ोर केस बनाने का प्रयास होगा, तो हम ये लड़ाई जो है कानूनी लड़ाई हम उच्च न्यायालय तक लड़ेंगे। ये मेरा स्पष्ट तौर पर कहना है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नेरचौक से राजू धारिया की रिपोर्ट। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नेरचौक मंडी हिमाचल प्रदेश, पायनियर इन एजुकेशन फॉर लास्ट 21 इयर्स, एक्सीलेंट फैसिलिटी, मॉडर्न लैब्स, फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट, कोर्सेज ऑफर्ड बीएड, डीएलएड, बी फार्मेसी, बीटेक, डिप्लोमा, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 9816400520, 9816700520, 9816005139।